अस्सलाम वालेकुम दादा जान, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपनी दवाइयाँ वक्त से ले रहे होंगे। मुझे आपकी बहुत याद आती है। लेकिन दादा जान, आज एक ख़ास सिलसिले में आपको लिख रही हूँ, आपकी मदद की ज़रूरत है। गुल याद है आपको, हाशिम बलूच की बेटी? पिछले माह उसके यहाँ बेटी हुई। मैं जानती हूँ कि खुशी की खबर है, लेकिन उसका शौहर और घर वाले इस बात से ज़्यादा खुश नहीं हैं। आप जानते हैं, वो अभी छोटी है, बच्ची है, और ये सब माँ बनना, बेटी का पैदा होना, सबका नाराज़ हो जाना, उसके लिए समझना ज़रा मुश्किल है। उसे शायद किसी ऐसे की ज़रूरत है जो उसको ये बात समझा सके। मैं दूर हूँ और उससे ठीक से बात नहीं हो पाती। ख़त तो लिखती हूँ, लेकिन अगर आप उससे मिल लेते तो शायद उसका हौसला बढ़ जाएगा। गुल मेरी छोटी बहन जैसी है, और आप ही हैं जिनसे मैं ये मदद मांग सकती थी। मैं आपके ख़त का इंतज़ार करूँगी। आपकी अपनी सबा। अस्सलामुअलैकुम सबा बाजी, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं भी खैरियत से हूँ। सबा बाजी, मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। कुछ दिन पहले इरशाद बाबा आए थे, सब घर वालों से बहुत अच्छे से मिले, और हाँ, उनके साथ महाबानो बाजी भी आई थी। मैं तो उन्हीं के साथ बैठी रही और हमने ढेर सारी बातें की। मैं और महाबानो बाजी जिंदगी की मुश्किलात के बारे में बात कर रहे थे। मैंने उनको अपने दिल का हाल बता दिया और उन्होंने ना सिर्फ मेरी बात सुनी बल्कि मुझे बहुत हौसला भी दिया और मुझे समझाया कि ऐसे हालात में मुझे क्या करना चाहिए। और दूसरी तरफ इरशाद दादा और रहीम दाद भी काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। इरशाद दादा रहीम दाद को बेटी की इस खूबसूरत नेमत के बारे में बता रहे थे और साथ साथ हर बात समझा भी रहे थे। और आपको पता है, रहीम दाद के रवैये में तब्दीली आ रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी अपनी गुल। खुदा हाफिज़।